संसदीय विभाग है। नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। कमला पूर्वी तटबंध पर भदवार के निकट भदवार कोरियानी टोला के समीप मैं अभी मौजूद हूं। यहीं से आपको यहां के भयाक्रांत और आक्रोशित लोगों की स्थिति की लाइव रिपोर्टिंग मैं दिखा रहा हूं। ये कमला पूर्वी तटबंध है जहां सड़क बनाई गई है और ये यातायात के लिए भी सुलभ है। आपको मैं दिखाऊंगा, आप स्वयं देख सकते हैं कि सड़क के बीच धसना गिरने से और रेन कट होने से यहां बसे सैकड़ों परिवार भयाक्रांत हैं। वर्ष 2002 और 2004 की वह भयानक मंजर लोगों की याद है आज भी, जब इसी जगह पर मैं जहां खड़ा होकर आपको संबोधित कर रहा हूं, इसी जगह पर बांध टूटी थी और भयंकर तबाही मची थी। दर्जनों क्या सैकड़ों की संख्या में लोग के घर बह गए थे और इस साइड में अभी भी जो गड्ढे हुए हैं, जो धार बनी है वो अभी तक भर नहीं पाए हैं। उस स्थिति को लोग भूल नहीं सके हैं और जल संसाधन विभाग के विरुद्ध और ये जो बांध नियंत्रण प्रमंडल हैं जो बांध की रक्षा करते हैं, अब तक कोई यहां पर वैध अधिकारी नहीं पहुंचे हुए हैं। लोग आक्रोशित हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, कैमरा में दिखा सकते हैं यहां से किस प्रकार लोग इस स्थिति में यहां पर भारी बारिश के बाद सड़कों पर आ गए हैं। ये सड़क और बांध है, इसको यहाँ पर आप जूम करके दिखाएं तो ये स्थिति देख सकते हैं। यहीं पर धसना गिरी है, इस साइड नदी का पानी है, नदी का पानी काफी नजदीक आ चुका है, बांध से सट रहा है। ये जो धसना गिर रही है ये जा रही है इस साइड में, वहां पर कुछ बैग लगाए गए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि ये काफी नाकाफी है। किसी भी समय अगर थोड़ी सी पानी और बढ़ी, अभी बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के अनुसार 52.70 सेंटीमीटर पर पानी बह रहा है, जो खतरे के निशान से 2.70 मीटर ऊपर है। 53.5 पर अगर पानी आती है तो यहाँ पर फिर टूटने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। मैं कुछ लोगों से आपकी बात करवाता हूँ कि आखिर क्या स्थिति आ गई कि लोगों को आक्रोशित होकर सड़क जाम करना पड़ा। यहाँ पर स्थानीय लोगों में आपसे शिव कुमार महतो भदवार, क्या स्थिति है यहाँ की बताइए। हम लोग का स्थिति अभी बाढ़ के कारण और बारिश के कारण बहुत गंभीर हो चुका है। अब कहिएगा कैसे, तो हम लोग के इसी जगह पर 2002 और 2004 में ये बांध टूट चुका था। थोड़ा सा इधर आ जाइए, हम गिर जाएंगे इसमें। 2002 और 2004 में इसी जगह पर टूटा हुआ था और टूटा हुआ इतना जमीन गड्ढा आगे पड़ा हुआ है, घरारी वाला, जिसमें मकान डूबी हुई है। अभी तक हम लोग उसको भरपाई नहीं कर पा सके। हम लोग जैसे तैसे दूसरे जगह या उसी को कुछ भर के फिर घर मकान बनाए हुए हैं और अभी हम लोग जो जहां पर खड़े हैं वो स्थिति आप देख रहे हैं कितना भयानक है। भोकर पर भोकर होता है, विभाग आता है, दो ठो चार ठो बोरी डाल के चले जाते हैं। उनको कहते हैं कि भैया आप थोड़ा इसका निगरानी कीजिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर दहाने का बहुत डर है। हम लोग दहा चुके हैं दो दो बार, हम लोग से ज़्यादा जो है सो दिक्कत किसी को नहीं हुआ होगा, और इस तरह का दिक्कत जिसको हुआ है वही जानेगा। कष्ट तो जिसको होता है उससे ज़्यादा दूसरा नहीं जानता है। तो जिस आदमी का घर द्वार सब बह गया उससे ज़्यादा तो कोई नहीं समझेगा। तो इस दुख को हम लोग समझते हैं और इस दुख को समझते हुए हम लोग विभाग को कहते हैं कि आप लोग इस बोकर को निगरानी कीजिए, इसको भरपाई कीजिए और इसको ऐसा मजबूत कीजिए कि ताकि यह बांध नहीं टूटे और हम लोग बच सके। लेकिन यहाँ पर जो विभाग आता है वो दो चार ठो बोरी देता है, कहता है कल आएंगे, परसों आएंगे, चले दो बोरी आ देता है, रात में बारिश हुआ बह गया। दो बोरी डालकर खाना पूर्ति करते हैं। और यहाँ पर जरा दिखाइए इंजीनियर साहब की करामत को, यहाँ पर देखा जाए कैसे नीचे पानी जा रहा है और कैसे ये पानी धीरे धीरे जो है
नदी में जा रहा है। ये हमारे करोड़ों खर्च कर बांध को सुरक्षित करने वाले इंजीनियर के कार्यकलाप का ये दावा है। यहाँ जरा देखिए और इसके पीछे भी ये देखेंगे कि किस प्रकार, थोड़ा सा बाबा साइड हो जाइए, थोड़ा सा साइड हो जाइए, वहाँ पर देख लीजिए। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये जगह बताया जा रहा है कि ये सड़क है और सड़क के बीचों बीच ये गड्ढा हो रहा है जो नदी की ओर जा रहा है, कभी भी टूट सकता है। यहाँ पर मैं एक और भी जानकार व्यक्ति से बात करना चाहता हूँ जो बांध के समय में बाढ़ की स्थिति में रूबरू हुए हैं और यही बसिंदे के हैं। कहाँ घर हुआ सर आपका? गंधरान घर हुआ, रामविलास। क्या नाम हुआ सर? रामविलास भांगर नाम हुआ। अच्छा, आपको तो काफी इसके बारे में जो अनुभव है, आज की स्थिति और किए गए कार्य के बारे में कुछ बताइए। देखिए यहाँ की जो स्थिति है वह सदियों से इस बांध का जो स्थिति है इसमें खाना पूर्ति करता है। बांध बनाने वाला जो भी इंजीनियर है वह खाना पूर्ति करके यहाँ से चले जाते हैं और उसका दंश यहाँ के समाज करीब 25,000 से 30,000 के जनसंख्या में यहाँ के समाज जो है वह हर साल वर्षा के मौसम में झेलते हैं। तो हम जिला पदाधिकारी से यह मांग करेंगे कि आप अपने आप को कहते हैं कि हमारा तटबंध सुरक्षित है, तो आप अभी आकर के देखिए माधव चौक से लेकर के हरना के ढाला तक करीब 40 गो उसमें कटान बन गया है, 40 गो कटान बना हुआ है। कहीं भी अगर पानी की बढ़ाव हुआ कमला नदी में तो कहीं भी टूटने की संभावना बनी हुई है, कहीं सुरक्षित नहीं है। हम लोग ये जो समस्या है यह सरकार से मांग करेंगे, जो जल संसाधन विभाग के मंत्री है माननीय इसी क्षेत्र के है संजय झा जी से भी कहेंगे कि यह जो समस्या है इस पर अपने से तैयार होकर के और डीएम को आदेशित करके रोड को सुरक्षित करवाया जाए। रामविलास जी, अभी आप इस सड़क को भी जाम किए हुए हैं, क्या मांग है तत्काल, आप कब तक जाम रखेंगे? हम लोग तो जब तक काम काज सही सुचारू रूप से चालू नहीं होता है तब तक हम लोग जाम रखेंगे। करवाइए, यहाँ काम को स्टार्ट करवाइए चाहे जिस हाल में हो, नहीं तो जो पदाधिकारी आएगा यहाँ बंद करके इसमें डाल देंगे। हम पूरा ग्रामीण एकता है, लोग बहुत आक्रोशित हैं और स्पष्ट कह रहे हैं कि जब तक यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से काम की शुरुआत नहीं होगी तब तक ये सड़क जाम रहेगा और ये रास्ता भी जाम रहेगा। यहाँ पर आकर के लोगों की जान बचाएं और लोगों को सुरक्षित करें, यही इन लोगों की मांग है। जी, हम लोग का यही मांग है कि हमारा जो समाज है वह सुरक्षित रहे। हम लोग नदी के किनारे बसे हुए हैं, हमारा तटबंध सुरक्षित हो और तटबंध सुरक्षित होगा इसी शर्त पर जब जेई है, जेई घूस लेकर के एस्टिमेट बनाता है और उसका कमीशन जो है पहले उसके पॉकेट में चला जाता है, पॉकेट को बंद करेगा तभी ये बांध ये तटबंध है वो मजबूत होगा। पॉकेट को बंद करे, कम से कम कमीशन जो है वो अपना कमीशन काट करके अपना कलम बनावे जो यहाँ के रोड का मजबूती होगा। बालू का रोड बना है तो वर्षा में तो ढहिए जाएगा, पूरा बालू का बांध बना दिया गया है, इसमें कोई मिट्टी नहीं है, बालू खड़ा कर दिया है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है, कमीशन खोरी की भी बात कही है, अभी पानी भी पड़ रहा है, बावजूद लोग इतने आक्रोशित हैं कि इस पानी में भी यहाँ पर हैं। मैं कुछ लोगों से और भी जानना चाहूंगा कि यह आक्रोश कब तक रहेगा, ये गलती किसकी है? हमारे नाम जीवत प्रसाद भारती, और ये जो है सो यहाँ पर जो है बोकर जो है हम लोगों को 2002 और 2004 में लोग आक्रोशित हैं और जल संसाधन विभाग, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल और इंजीनियर जो हैं उनके खिलाफ भी जमकर नाराबाजी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब तक विभाग के लोग आकर के इसे ठीक नहीं करेंगे तब तक ये सड़क जाम रहेगी, स्थिति दयनीय है, खराब है। और इस पानी, ऊपर से बारिश भी हो रही है, आप देख रहे हैं, बारिश में ही आपको मैं संबोधित कर रहा हूँ, सैकड़ों लोग बारिश में भींगते हुए अपने आक्रोश का इजहार कर रहे हैं और मैं अपडेट आपको देता रहूंगा। बिहार 24 सच से सामना का ये व्यू है, इसे देखें और यहाँ पर आकर के इस बांध को सुरक्षित करें ताकि वर्ष 2002 और 2004 की घटना की पुनरावृत्ति यहाँ न हो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।